संस्क्रिताइजेशन थोड़ा बताया था कल ना व्हाट इज संस्कृत बताना व्हाट इज संस्कृटाइजेशन जो भी मैंने बताया था यस इमिटेटिंग द लाइफ स्टाइल्स ऑफ अपर कास्ट बाय लोअर कास्ट इन ऑर्डर टू एलिवेट सोशल स्टेटस इन लोकल कास्ट है इट इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल इट इज एन इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ सोशल चर एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृत वॉज Given by M.N. Sinivas, and this is also important from exam point of view as well as academic point of view, because without this concept, second paper cannot be completed. The entire second paper, not only.

নট এর প্রসেস অফ সোশ্যাল চেন্স বাট এর প্রসেস অফ পজিশনাল तो संस्कृताइेशन मीन्स यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स देख के घबरा गया है क्या पढ़ने के लिए आया ना मार्क्स देखने के लिए आया अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहेगा ना कुछ नहीं कर पाएगा ये टॉपिक छोटा हो और बड़ा हो कैन यू राइट इन थाउजेंड वर्ड्स कैन यू राइट इन हंड्रेड वर्ड्स अगर ये नहीं कर पाएगा

इन द बिगिनिंग यू हैव टू नो द थिंग्स इन इट्स एंटायरिटी क्या हम आधा करा के छोड़ पूरा पता तो चले क्या है चीजें मैं ये फ्रेम जस्ट मेन हेडिंग देख भी छोड़ सकता था तो कितना पेज होता था इतने में मैं खत्म कर सकता था हेडिंग क्या क्या है वाला कंडीशन हेडिंग है मीनिंग ऑफ संस्काइजेशन एक हेडिंग है बेसिक प्रमिसिस एक हेडिंग है प्रीरिक्विजिट एक हेडिंग है फर्स्ट विजा विस एससी एसटी ओबीसी एक हेडिंग है रूल्स एक हेडिंग है इंपैक्ट्स क्रिटिसाइजस डिक्लाइन एक पेज में होता कि नहीं था समझ जाए ना सही चीज को एप्रिशिएट करना सीखना मैंने यहां पे लिख रहा हूं नॉट फॉर मी मुझे आती है मैं ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं इट इज बिकॉज ऑफ यू अभी तक काफी क्लास किया है घर में कुछ किया किसी एक का भी माइक्रोफ्रेम बनाया किसी ने बनाया मैंने जो फ्रेम देता हूं इसका भी माइक्रोफ्रेम बन सकता है क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू राइट इन वर्ड्स इस टॉपिक्स अगर आते हैं ट्वेंटी मार्क्स के लिए तो आपको थ्री हंड्रेड वर्ड्स लिखनी है मैंने करीब डेढ़ सौ लिख चुका है और इसमें एक भी चीज छूटा तो ये टॉपिक इनकम्प्लीट है तो अब छूटना भी नहीं चाहिए सारी चीज होनी भी चाहिए कैसे करेगा तो अगर यूपीएससी के लिए एस्पायर कर रहे ना इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला है ये कोई ग्रेजुएशन नहीं है जो दो चार दस नोट्स पढ़ लिया है घर में रट लिया और जाके लिख लिया थर्टी परसेंट मिल गया यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन करना नहीं चाहिए एक टॉपिक कितने का वा इसमें बुक्स है एम एन सी बुक्स ऑन संस्कृताइजेशन उस बुक्स का नाम है सोशल चेंज इन इंडिया अब बुक्स में कितनी पेज होती है इतनी मोटी सी बुक्स है करीब साउथ पेज के आसपास होगा एक पेज में कितना वर्ड होगा कम से कम 200 वर्ड होगा तो कितना 20,000 वर्ड इपेसी तो 20,000 वर्ड का क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको लिखना तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम ट्वेंटी मार्क्स आज के लिए तो कैसे लिखेगा तो इतने लैकलास्टर एटीट्यूड ना यूपीएससी तो नहीं यूपीएससी क्या किसी भी एग्जाम में नहीं कर फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वन आई टू एवरी वन यू द थिंग्स इन इट्स टैर डिटेल पहले जानो फिर उसको लिखने की कोशिश करो इन यूपीएससी ऑलवेज ओपन एंडिंग कभी क्वेश्चन देखा भी है ओपन एंडिंग क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन संस्कृत इसमें यू हैव टू राइट द इंटर फ्रेम एंड दैट टू फॉर टेन मार्क्स पहले वो क्वेश्चन आता था ट्वेंटी मार्क्स के तो क्या करेंगे अरे मैं लिख रहा हूं आप लोग परेशान हो गया मेरे पास तो बहुत सारे स्कोप है मैं तो जस्ट थोड़ा बोल के छोड़ दूंगा किसी को पता भी है इस टॉपिक्स में क्या क्या है क्या क्या नहीं है अच्छा बताना मैं अगर मीनिंग बता दिया अर्थ के बता दिया जैसे लोग करता है क्या करता था वाई आई आई एम गोइंग टू टेक पेन इट इज बिकॉज ऑफ मी अरे जब आपके पास फ्रेम है ना तो आई कांट हाइड एनी अगर मैं किसी चीज को डिस्कस नहीं करेगा यू कैन आस्क मी व्हाट अबाउट दिस पॉइंट मैं मेहनत कर रहा हूं आप परेशान हो गए तो देखो देखो, देखो संस्कृताइजेशन क्या है इट इज ए Kind of imitation. Imitation of higher caste by lower caste to elevate social status. Question is why people of lower caste imitate the lifestyles of higher caste? As a

इसी के लिए कर रहे ना सो इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर डिस्कशन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट कॉन्डिशन विच एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी द कंडीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ संस्क्रिताइजेशन एंड आई हैव डिस्कस दिस है फॉर लास्ट वन वीक जब से मैंने कास्ट सिस्टम की शुरू किया है शिवांगी बता द कंडीशन एक्सिस्टिंग इन आवर सोसाइटी व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर संस्कृतेशन ओनली अंटबिलिटी तो तुम बताओ ना बताओ एक वर्ष से तो कुछ समझ में आएगा नहीं यू स्पीक इन लिटिल बिट ब्रीफली उसको बोलने देना देखो मैंने यहां पे लिखा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कंडीशन फॉर संस्कृताइजेशन

इंडियन मुस्लिम में भी प्रैक्टिस होती है इंडिया इज ए पुरलिस्टिक कंट्री बट हिंदुइज इज एफ लाइफ ऑफ मेजोरिटी एन कम्युनिटी एंड एज डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट कास्ट लिविंग टूगेदर दैट्स वाई दे ऑल हैव बिन प्रैक्टिसिंग दिस प्रोसेस Since time immemorial, and what is the conditions existing? And it is quite universal. If Muslims in India, they have been practicing Sanskritization. It is because they have similar kind of situation which exist in Hinduism. So, what is that conditions? Hindu society is divided into into various castes. In terms of Varna system, there are higher caste, lower caste. In terms of Jati system, there are higher caste, middle level caste, and untouchable caste. Because higher caste, they are land owning caste. They have economic clout. They are politically influential. And therefore, they enjoy higher ritual status. As a result, they are enjoying the fruits of benefits in the society. Since lower caste are ritually low, that's why they don't have access to economic power. They do not have access to decision making role. Therefore, they are exploited, they are oppressed. So, unless and until they are becoming like higher caste,

जो एलिवेटिंग हायर स्टेटस इन दोसाइटी इट डेपन विद इन एयर विद इन ए सेंचुरी हंड्रेड ऑफ लगते हैं दो तीन जनरेशन लगते हैं तो क्यों लोग ये सब करेगा बिकॉज दे इमिटेटिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ हायर कास्ट दे ट्राई टू बिकम हायर कास्ट एंड देन they will enjoy the fruits of benefits in the society they will not be exploited by the higher caste isliye mehnat kar raha so that conditions will be elaborated in this point ठीक है मैंने एक टेबल बनाता हूं जिसमें सारे conditions दिख जाएंगे जिसके लिए lower caste के लोग करते हैं क्यों संस्कृताइेशन बोला जाता है नहीं में अभी मैं बता रहा हूं जो बैकग्राउंड है जिसके चलते संस्कृताइेशन हो रहा है जो है देर लोअर कास्ट बट देर ऑक्युपेशन इज क्लीन ऑक्युपेशन ठीक है जैसे कि कारपेंट्री फिर आपका फार्मिंग ये फिल्डी ऑक्युपेशन नहीं है लोली ऑक्युपेशन है बट क्लीन है Decision made by Harkas imposed on them.

थॉरिटी मिलेगा उसको इकोनॉमिक पावर मिलेगा अनलेसन अंटिल देर रिमेनिंग एज लोअर कास्ट दे विल बी फ्रॉम पिलर्स ऑफ पावर इसीलिए इमिटेट कर करके तीन चार जनरेशन लगा के दे ट्राई टू बिकम हर इस सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करता था देन टू इमिटेट द लाइफ स्टाइल कभी कभी देखना बहुत ज्यादा रेफरेंस मिलेगा सोशल स्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यू कैन सी हेर व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी जो तो मतलब ये जो पॉलिटिकल स्टेटस देखने इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल और पावर स्ट्रक्चर इंडिया में पावर स्ट्रक्चर कैसा है नहीं नहीं सभी चीज की वजह से इकोनॉमिकली देखो इकोनॉमिकली दे आर लैंड ओनिंग कास्ट हायर कास्ट देआर जमींदार कास्ट इकोनॉमिक क्लाउड जो सुधरा जो है देटर्स दे कल्टिवेट ऑन टू थ्री एक ओन दिसज इन क्राफ्टिप जैसे की कार्पेंट्री होगी आयरन स्मिथ हो गया गोल्ड स्मिथ हो गई इनमें स्पेशलाइजेशन है

ठीक है, फॉर संस्कृताइजेशन सो दिस प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एज द कॉन्सेप्ट वॉज गिवेन बाय एम एन श्रीनिवास वेल ही कुर्ग इट इज ए प्लेस नियर बाय माइसूर

आजकल तो ब्राह्मीण से भी ऊपर उप, पहुंच गए लिंगायत अपने आप को एक अलग से धर्म सेक्ट मानते ये न बीजेपी की जो फॉर्मर सीएम सीएम जो है लिंगायत का ही तो है कर्नाटक की जो नॉर्दर्न कर्नाटक दैट इज डोमिनेटेड बाय लिंगायत सदर्न कर्नाटक जो है दैट इज डोमिनेटेड बाय वक् वक्कली जो देवी को गौरा जितने लोग की सामने में है ना गौरा सारे वक्कल लीगा कम्युनिटी आते हैं एंड दे आर डोमिनेंट कास्ट और इनके जो बॉस है देवेगौर <laughs> नहीं जानता देवेगौर का एच डी देवेगौर स्लीपिंग प्राइम मिनिस्टर जब वो प्राइम मिनिस्टर था तब तुम तो लोग छोटा था वो ना हमेशा सोता रहता था पार्लियामेंट में आके सो जाएगा कहीं विदेश में गया वहां सो जाता है दिखाता था अच्छा सा तो उसके बाद फिर पूछा रिपोर्टर ने भाई सोते क्यों आप सर इतना बोला मैं घर में बहुत काम करता हूँ <laughs> इसलिए आगे सो जाता हूँ पार्लियामेंट <laughs> में सोने का ना <laughs> एकदम खड़ा मार के सोता था आवाज भी सुनता था वक्कली का हाउेवेयर व्हेन एमेन सिनिबास स्टडीड अदर सोसाइटीज इन अदर पार्ट्स ऑफ इं

संस्कृति को वेज ऑफ लाइफ साफ सुथरा रहना वेजिटेरियन खाना खाना दारू नहीं पीना यूजली ही उनकी लाइफ स्टाइल है प्रोसेस संस्कृताइजेशन, बट इनिशियली ही कॉल ही टर्म द प्रोसेस ब्राह्मिनाइजेशन समझी साजी है क्यों संस्कृताइजेशन कहा गया Because all higher castes have Sanskritic ways of life. As lower castes are imitating that ways of life, that's why this process is termed Sanskritization. And Sanskritization is not only practiced among Hindus, it is also practiced by tribes, it is also practiced among non Hindus, like Muslims, Sikhs.

स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट सिस्टम सो बिकॉज ऑफ संस्कृत समस्ट है बट सुद्रा कास्ट एज ए ब्लॉक इज स्टील इफ ऑल द सुद्राज इम्प्रूव दियर कास्ट स्टेटस एंड बिकम हायर कास्ट एंड This block is no longer existing. Then you can say it is a process of social change or it is a process of.